अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चलिए तो फिर से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जिस के हेडिंग के तहत हम लोग अपने लेक्चर पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। उसमें हमने टाइफाइड फीवर यानी हुमेमियावी को पढ़ लिया है और हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है कॉलरा, जिसे क्या कहते हैं हैज़ा। स्टूडेंट याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की तारीफ बता रहा था कि एक डिज़ीज़ है जिसे कॉलरा कहते हैं और इसी डिज़ीज़ को ही फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ डिज़ीज़ कहिए या फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कौन सी डिज़ीज़ को कहा जाता है, तो है कॉलरा। और इसके ताल्लुक से सबसे पहले जिन्होंने मेडिकली प्रूव किया था कि जो समाज में जो बीमारी फैली हुई है कॉलरा की, वो आलूदा पानी और कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह ही इस बीमारी की मेन है, जिसकी वजह से सोसाइटी के ज़्यादातर लोग इससे मुतासिर हैं। फिर उन्होंने इसका पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इस पर। उन्हें उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन स्नो। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हैज़ा एक मुतअद्दी मर्ज है, छोटी आंतों की बीमारी है ये, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बेबी कॉलरा है। और उसके भी दो टाइप होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में जिसकी अक्साम बयान की गई है, वो है वेब्रियो कॉलरी ओवर एंड O139। अब इसमें से कह रहे हैं कि इसी के वेब्रियो कॉलरी ओवन को भी जो है ईएल टॉर बाई टाइप भी नाम से जाना जाता है। और जी ठीक है स्टूडेंट, और जो कह रहे हैं मोस्टली जो कॉलरा होता है वो फीकल कंटामिनेटेशन फूड एंड वाटर, यानी कि आलूदा पानी और ख़राब गज़ा, ठीक है, सड़ी गली गज़ा का जब इस्तेमाल इंसान करता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये जो है सबब बनते हैं कॉलरा के या हैज़ा के। इसकी अगर हम अलामत की बात करें तो अगर किसी को ये हो गई बीमारी तो उसमें अलामत क्या मिलेगी, कह रहे हैं कि सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस प्रोफ्यूज एफर्टलेस वॉटरी डायरिया, यानी कि अगर ये मर्ज किसी को हुआ तो उसके अंदर जो है उसकी क्या कि ऑनसेट पेनलेस, यानी कि उसका बार बार मोशन होगा, ठीक है, और प्रोफ्यूज मोशन होगा बिना कोई मेहनत के, या कहिए कि आप बिना किसी एफर्ट के, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा है ना, स्टूल पास होगा या कहिए कि मोशन होगा, और उसके जो शक्ल होगी वो वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया भी उसी में आ गया, ठीक है ना, कि जो है पानी की शक्ल का वो स्टूल पास होगा और जिसकी वजह से जो है उसमें बहुत ज़्यादा कुवत या दर्द भी नहीं होगा और वो इजीली ब्रास के रास्ते खारिज हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि पहले तो प्रोफ्यूज है ना पेनलेस इफर्टलेस डायरिया होगा, उसके बाद कह रहे हैं कि फॉलोअड बाई वोमिटिंग, फिर उसके बाद उसे क्या होगी वोमिटिंग, फिर उसके बाद मस्कुलर क्रैम, यानी मसल्स में क्या होगा, खिंचाव होगा, दर्द सा होगा और इंसान ये फील करेगा कि वो थर्स्टी है, रैपिड डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी से फ्लूड क्या हो गया, लॉस हो गया, एसिडोसिस, तेजाबियत पैदा हो जाएगी, ठीक है ना, तेजाबियत स्टूडेंट जानते हैं कि जब ये होता है तो उसमें क्या होता है कि अपना हार्ट वगैरह जो फंक्शन होता है उसके अंदर अपना वर्क करते हैं, वो उसके वर्क में कमी आ जाती है, यानी कि क्या कि उनका पल्स डिमिस्ट हो जाती है। यही सी बात है, अगर वाटर लॉस हुआ तो किडनी का आउटपुट तो पूरा फिल्ट्रेशन भी वाटर पे ही होता था, जो बॉडी में वाटर का मूवमेंट है, जो फ्लूइड है बॉडी में, अगर वो नहीं मिलेगा तो किडनी का वर्क भी कैसे होगा,
तो रीनल फेलियोर यानी कि क्या है कि किडनी अपने फंक्शन बंद कर देगी, और फिर ऐसी हालत में क्या होगा कि पेशेंट अगर इलाज न किया गया बर वक्त उसका, तो वो शॉक की कंडीशन में चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। यही करें कि इसमें केस फैटिलिटी रेट जो है 30-40% है, और मोस्टली केसेस में ये कंट्रोल हो जाता है अगर बर वक्त इसको इलाज किया जाए और इसकी तरफ देखा जाए। तो स्टूडेंट की साइड में देखिए आप, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी कॉज एवरी कॉलरा, और इसकी जो शक्ल होती है वो अभी आगे बताएंगे हम। कंस्टिट्यू एजेंट की जो होता है ये देखिए आप, कॉमा शेप भी इस बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें फ्लेजिला होता है यानी कि इसके ज़रिए से ये क्या होता है मूवमेंट करते हैं, इनके टेल फ्लेजिला यानी इनकी टेल होती है जिसके ज़रिए से मूवमेंट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो करें कि WHO ने बताया कि ये सभी कंट्रीज़ में है ना इसके केसेस मिलते हैं। 2013 का डाटा है इनके पास कि 1,29,060 केसेस वर नोटिफाइड फ्रॉम 47 कंट्रीज इंक्लूडिंग 2,102 डेथ्स, पूरी दुनिया का ये जो डाटा है। अगर हिंदुस्तान में बात करें, जाहिर सी बात है कि बीमारी कोई से भी हो और हिंदुस्तान अपने मुल्क अजीज़ का जिक्र ना हो तो मैं नहीं समझता कि कोई बीमारी मुकम्मल होगी। यानी कि इंडिया में वेस्ट बंगाल एक जगह है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कहते हैं होम ऑफ कॉलरा, वो घर है वहाँ पर कॉलरा, मतलब जो है घर घर में होता है, ठीक है ना, पैदाइश होती है वहाँ से कॉलरा की। फिर एक डाटा है 2013 अबाउट जो है वहाँ पे 1,127 केसेस कॉलरा के मिले थे और उसमें 5 की डेथ हुई थी। ये ऐसा आपकी हमारे सिलेबस की जो बुक है पार्क में ऐसा लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स की, तो उसमें क्या है कि एजेंट फैक्टर, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट जिसे ऊपर आपको बताया कि वो क्या है, विब्रियो कॉलरा, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका कास्ट एजेंट है। अब ये कह रहे कि विब्रियो कॉलरा क्या है कि वाइब्रेट है ना, वाइब्रेट मतलब वो क्या होता है, या वाइब्रेट मींस होता है कि वाइब्रेट से बनाया है ना, वाइब्रेट या मींस वाइब्रेट से बनाया है। क्लासिकल वाइब्रेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1883 इन इजिप्ट, मिस्र में रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले इसको दरियाफ्त किया था। और विब्रियो इस कॉमा शेप्ड, ठीक है स्टूडेंट, छोटे बेस लाइन होते हैं 1-5 mm इनकी लेंथ होती है और 0.32-0.4 mm इन ब्रिथ यानी कि चौड़ाई होती है। अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं यानी कि ये किस चीज़ से माने कौन होता है ना, जिससे ये रेजिस्ट हो जाते हैं, जिससे ये उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। एक तो ये है कि ये खुद ही आप 30 मिनट के बाद, ये कब, जब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और आधे घंटे तक किसी चीज़ को क्या किया होगा, उसको हीट दी गई हो, ठीक है, तो उसमें जो है क्या ये किल्ड हो जाते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अगर ये 30 मिनट से बिलो हैं, ठीक है, वक्त आपने कम कर लिया और हीटिंग भी 55 कर लिया, ठीक है, तो दोनों कम हो रहा है, इस वाले में क्या ये रेजिस्ट हो जाएंगे, इस पर इनका असर नहीं होगा। ऐसे ही है फ्री सेकेंड बाई बॉइलिंग, बॉयल करेंगे कोई चीज़ है ना, तो ऐसे ये भी इनका ख़त्म हो जाएंगे। फिर आगे कह रहे कि सूखी जगहों पर और जब सूरज निकलता है ना, या सूरज की रोशनी जो होती है वो भी बेस्ट डिसइंफेक्ट माना जाता है। नेचुरल डिसइंफेक्ट में सूरज का भी शुमार होता है, ठीक है ना, उसके ज़रिए से बहुत सारे क्या होते हैं बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब डिसइंफेक्ट की बात करें, उसमें कोलता डिसइंफेक्ट बहुत थी मतलब इनके लिए सेंसिटिव होता है और इसमें ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। जैसे क्रेसोल वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो इनके वजूद खत्म किया जा सकता है। टॉक्सिन प्रोडक्शन, एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, कि ये जो है बैक्टीरिया ये बॉडी के अंदर तो माउथ के थ्रू गए, इंटेस्टिन में गए, वहाँ पर क्या है कि जो है वो इंटेस्टिन जो इस म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर उन्हें कोटिंग करने के बाद जो है ना एल्विलर जो सेल होते हैं इंटेस्टिन के वहाँ पर तक जाते हैं, बस उससे अंदर ज़्यादा ये इंटर नहीं कर पाते, ठीक है ना, वो बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर मौजूद होने के बाद, फिर वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं उसके बाद ह्यूमन में ही, और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे अपने टॉक्सिन्स को है ना रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन जहरीले असरात मध्य प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करता है जो CMP होता है, साइक्लेस है ना,
और जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से सारा वाटर जो है ल्यूमन में आता है और वो फिर वो ब्राए खारिज होता है ब्रास की शक्ल में, है ना, ब्रास के रास्ते से वो फिर खारिज होता है। तो ये कह रहे हैं टॉक्सिन प्रोडक्शन, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, है ना। इसीलिए कुछ स्टडीज़ में ये कहते हैं चूँकि बैक्टीरिया है वो बाहर ही से अपना टॉक्सिन, इसलिए इसमें फीवर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्कुलेशन में नहीं आते, है ना। सर्कुलेशन में तभी कोई भी आएंगे तभी तो क्या होता है बॉडी में इन्फेक्शन जब होगा, है ना, सर्कुलेशन के अंदर, तो वो क्या तभी आदमी को फीवर होता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब हो, लेकिन एक कंडीशन ये भी बताई गई है। कह रहे हैं कि ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ ये क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होते हैं एंड प्रोड्यूस एन एक्सोटॉक्सिन, दिस टॉक्सिन प्रोड्यूस डायरिया, यही टॉक्सिन जो है डायरिया का सबब बनती है। हालांकि स्टूडेंट इसमें बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको बस जस्ट ब्रीफ बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम अपॉइंट ऑफ इसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक खाका आपके जहन में आ जाए, बाकी तो पढ़ने पढ़ाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, उसमें हम पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। डेक्सोटॉक्सिन हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी अदर टिश्यू एक्सेप्ट द इंटेस्टाइन। सबसे अच्छी खास बात यह है कॉलरा की, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंटेस्टाइन पे ही इनका असर है ना, इसके बैक्टीरिया और बॉडी किसी और जगह पर, है ना, क्या करते हैं वहाँ से लॉज नहीं करते, वहाँ रहते नहीं हैं, है ना, या उनके लिए सूटेबल जगह नहीं होती है, वरना यदि और नुकसान करते हैं। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ये किस के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं, ठीक है, या इसका अपने अंदर कौन ज़खीराअंदोज़ी करता है, कौन स्टोर करता है। आइए तो बात करते हैं उसमें क्या है कि द ह्यूमन बींग, यानी हर चीज़ देखेंगे आप तो आजकल जो बात बीमारी पड़ रही है सब चीज़ क्या है, ह्यूमन ही मेन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। द ह्यूमन बींग इज़ द ओनली नॉन रिजर्वायर ऑफ कॉलरा इन्फेक्शन, जिसके अंदर कॉलरा जो इन्फेक्शन है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो है कॉलरा, वो ह्यूमन बींग। और दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो केस हो सकता है, ठीक है, या वो जो है कैरियर हो सकता है। केस कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को कॉलरा हो गया और अलामत भी उसे मिल रही तो ज़रूरी नहीं कि वो जो है उसे बहुत ही सीवियर कंडीशन पैदा हो जाए, है ना, जो अभी आगे अलामत में हम लोग पढ़ेंगे। केसेस भी होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि कह रहे हैं कि इनअपेरेंट भी होते हैं, ठीक है, और एस सीवियर दोनों भी हो सकते हैं। और फिर उसी के बारे में आगे करें कि अबाउट 75% ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद वेलू कॉलर डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम, 75% ऐसे लोग होते हैं केसेस में जिनके अंदर केवल मतलब डायग्नोसिस तो हो जाती है कि इनके अंदर हैं मौजूद, ठीक है ना, और साइन सिम्टम डेवलप नहीं होते। आल्दो कह रहे इनको फिर भी उनके फीसिस में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, 7 से 14 दिन के दरमियान देखा जाए तो उनका ब्लड उसका स्टूल की जांच की जाए तो उनके अंदर कॉलरा के बैक्टीरिया मिल रहेंगे। और ये बहुत नुकसानदेह ये भी करते हैं, उसमें क्या है कि आर शेड बैक इन टू द इन्वायरमेंट पोटेंशियली इन्फेक्टिंग अदर पीपल, ठीक है, वो इन्फेक्टेड हैं, उनकी इम्यूनिटी इस लायक है कि चलिए अलामत डेवलप नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो इस तरह से कि वो क्या करें वो अपने स्टूल में क्या करते हैं वो शेड करते हैं, है ना, कॉलरा बैक्टीरिया को। अब कैरियर की बात करें स्टूडेंट, उसमें जो है टेम्परेरी होता है और क्रोनिक कह रहे हैं कि बहुत कम ही होता है, मोस्टली टेम्परेरी ही कैरियर होता है। और ये भी क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन को फैलाने में। इन्फेक्टिव मटेरियल जिससे बात हुई, ये खाने पीने वाली बीमारी है तो द इमीडिएट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर द स्टूल्स एंड वोमिट केसेस एंड कैरियर, ये इन्फेक्टिव मटेरियल यानी कि जो गिज़ा हजम हो चुकी है, ठीक है ना, तो ऐसे कोई है इन्फेक्टिव चीज पर्सन तो उसका इन्फेक्टिव मटेरियल जो होगा वो क्या है इन्फेक्शन, है ना, स्टूल्स एंड वोमिट ऑफ द केसेस एंड कैरियर। इसीलिए कहते हैं कि अगर चलिए ठीक है तो आदमी तो टॉयलेट के लिए होता है तो वो जाता ही है उसके अंदर, ठीक है ना, टॉयलेट रूम में अगर कोई वोमिटस करता है, कई वोमिट होती है ना, तो भी उसको एरिया को बहुत अच्छे तरह से क्लीन करना चाहिए, है ना, ताकि एक तरह से उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कि कौन से पीरियड में ये एक जो है दूसरे को लग सकती है। कह रहे हैं कि अगर कोई केस है कॉलरा का तो उसका जो पीरियड है वो 7 to 10 days है, यानी कि इस दरमियान कोई भी इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है ना, तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। कन्वर्सेंट कैरियर्स आर इन्फेक्शन 2 to 3 weeks, यानी वो जो जिनको इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो ठीक भी हो गया तो वो 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो शेड करते हैं, है ना, दूसरे को इनका मतलब पहुँचा सकते हैं। द क्रोनिक कैरियर स्टेट में लास्ट फ्रॉम मंथ अप टू, एक तो बताया था ऊपर कि क्रोनिक कैरियर तो रेयरली होते हैं लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो फिर ये बहुत लंबे तक जाते हैं, महीनों से लेकर 10 साल तक ये क्या होता है कि वो शेड करते रहते हैं, इनके दूसरे को इन्फेक्ट करते रहते हैं। अब स्टूडेंट होस्ट फैक्टर
की बात करें तो जैसे अभी बात करें कि एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, यही तीन हैं चीज़ें जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि डिजीज़ के लिए क्या क्या इन्वायरमेंट बनता है, वो ये तीन चीज़ें हैं। तो उसमें अगर होस्ट की बात करें तो उसमें क्या है, एज एंड सेक्स किस में होगा, ये कह रहे कि सभी बीमारी और दोनों सेक्स में होता है, मेल फीमेल में ये बैक्टीरिया कोई तमीज़ नहीं करता और एज का भी नहीं करता, चाहे बूढ़े बच्चे जवान सभी के अंदर ये होता है। लेकिन कह रहे कि एक केस है, एक एक्सेप्शन है ये कि एंडेमिक एरियाज़ में इसका अटैक रेट बच्चों में ज़्यादा होता है, जहाँ पर ये बीमारी एंडेमिक फॉर्म में मौजूद होती है वहाँ पे उनका ज़्यादा हुआ। अब एंडेमिक किसे कहते हैं, एपिडेमिक किसे कहते हैं, एक्सप्लोडिक किसे कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके बार बार बताया जा चुका है, आप जो है इसको अपने प्रीवियस नोट में देख सकते हो। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन मोबिलिटी, एक सबब होस्ट ये भी हो सकता है ना, क्या कि एक इंसान है जैसे अभी आगे आएगा कि पिलग्रिम्स हुए या मैरिजेस हुए, फेयर्स हुए, फेस्टिवल, जाहिर सी बात है कि अगर कहीं मेला लगा या किसी की शादी हुई तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का आना जाना होता है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, ठीक है। और उस जहाँ उस दौरान क्या होता है कि बीमारी उस जगह पर जहाँ पर नहीं है, है ना, वहाँ पर वो इंसान गया, जैसे आपने पढ़ा कि जो है इंसान ही इसका मेन रिजर्वायर है, तो इंसान क्या इंसान से मिला, ठीक है, या उसने क्या किया, फ्रेश हुआ वो किसी, ठीक है, जगह पर शौचालय में, तो फिर वो क्या करेगा, वो आसपास के जो लोग होंगे वहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरिया का शेड करेगा और वहाँ के लोगों की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक स्टेटस जानती हैं आप लोग, जानते हैं जैसे कि पुअर चीज़ें हैं, अगर लोग जो लोग गरीब लोग गुरबा लोग होते हैं लोएस्ट इकोनॉमिक होते हैं, जिन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है, ठीक ना, और वो खाने मिलना चाहिए, अब चाहे सफ़ा हो चाहे गंदा हो, है ना, या जिस कंडीशन में उन्हें बस पेट भरना होता है। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस जो लोग सोशो इकोनॉमिक लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और ख़ास वही है उनके अंदर पुअर हाइजीन होती है, या और लोगों को भी हो सकती है ना, क्योंकि बीमारी का तो कोई धर्म मज़हब होता नहीं है, तो उसमें लेकिन ये होता है कि अगर पुअर हाइजीन करेगा तो वो चाहे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हो या हाइएस्ट का हो, है ना, या मिडिल का हो, सभी को हो सकती है बीमारी। इम्यूनिटी कहते हैं स्टूडेंट कि अगर क्या अगर ये कॉलरा बीमारी किसी को हो जाए तो क्या उसको फिर दोबारा बीमारी नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए इन्फेक्शन होना कॉमन सी बात है, होती रहती है इसकी, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो डेवलप होगी वो कुछ वक्त के लिए होती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन इसका नहीं होता है। अगर मान ली किसी को वैक्सीनेशन दे दिया जाए तो भी वो क्या टेम्परेरी होती है और पार्शियल इम्यूनिटी भी उसमें जो ही डेवलप होती है, 3 to 6 months की ड्यूरेशन होती है, और इसलिए इसको जो है ये वैक्सीन इसकी नहीं लगाई जाती क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा होता नहीं। मान लीजिए कि वैक्सीन दे दिया जाए और किसी को हुआ ना तो उस पर डबल बर्डन पड़ जाएगा, है ना, कि एहतियातन तौर पर नहीं लगा दिया जाएगा उसको कॉलर ना हो, जब कॉलर है ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना, उस जगह मौजूद ही नहीं, हाँ जब इपिडेमिक जैसा फैला होता है तो उस वक्त जो है एहतियाती तौर से आदमी क्या है वैक्सीन वगैरह लगवा लेता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ये जो बताया कि उस जगह पर जहाँ पोअर सैनिटेशन होगा वहाँ पर ये कॉमन होंगे, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस इंक्लूड कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, खाने पीने की बीमारी है तो ये याद रखिएगा, तो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे होंगे वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन खाने से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है ब्राय दोहन यानी माउथ के जरिए से ये बॉडी इंटेस्टिन के अंदर जाती है ना, तो कह रहे कि फीकली कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक, जैसे अनकंट्रोल्ड वाटर सोर्सेज सच एज वेल्स, वेल्स में कोई कंट्रोल होता नहीं, ठीक है ना, वो कुआं है तो है, और लेक्स है झील से वहाँ पानी निकलता रहता है, अब पोन्स हुए तालाब, स्ट्रीम्स, रिवर्स, स्पोर्ट्स, अग्रेट, यानी क्या कि ये सब जगह क्या होती है कि अगर कंटेमिनेटेड हो गई तो ये जगह से निकलने वाली है ना जो वाटर है वो पूरी बस्ती में सप्लाई होंगे, पूरे एरिया में सप्लाई होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी इस पानी को इस्तेमाल करेगा है ना, चूँकि पानी कंटेमिनेटेड है उसको कॉलरा हो जाएगा यानी ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर कहते हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे लोग हमी लोग का भी होता है कि भाई चाट टिक्की वाला लगा हुआ है, ठेले पे गए खुले विंटर्स खड़े हुए हैं, उनसे क्या किया हमने चौपाटी वगैरह पर और उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, पानी पूरी खा लिया, टिक्का खा लिया, दही बड़े खा लिए, ठीक है ना, बुक सब क्या होता है कि एक तो फ्लू भी इसका फैलने से फ्लाइज वगैरह से भी होता है, तो वो ले मान ली कोई कंटेमिनेटेड
जगह से आई और वो बैठ गई खाने पीने की चीज़ में, ठीक है, या वो जो पानी था उसका, पानी पूड़ी वाला पानी, उसको पानी पूड़ी में तो पिया ही, उसके बाद अलग से भी लेकर पी लिया, तो उससे भी क्या हो जाता है कि ये फूड एंड ड्रिंक्स खाने पीने की चीज़ों में से ये इंसान को क्या ट्रांसमिट हो सकता है। अब उसमें बताया कि जैसे बोटल फीडिंग कुड भी सिग्निफिकेंट इस फैक्ट था इन्फेंट, बच्चों में भी ये हो जाता है, खासतौर जो बोटल फीडिंग होती है बच्चों की। बोटल फीडिंग ज़रूरी है कि ना कराया जाए, लेकिन अगर ज़रूरी पड़ गई तो कराया जाए, तो उसको प्रॉपर उसका मेथड है कि उसको स्टरलाइज कर लिया जाए, गर्म पानी से हर बार जो है उसको धो लिया जाए, ताकि जो है उसमें बैक्टीरिया का वजूद ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, बैक्टीरिया उसमें अगर है तो वो मर जाए। और फिर कहें कि फ्रूट्स वेजिटेबल वॉश विद कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे वाटर, ऐसे फ्रूट्स जो कि कंटेमिनेटेड वाटर में, खासतौर सब्जियों के ताल्लुक से देखिए तो जो लोग होते हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर ही होता है जिसके ज़रिए से आप उसको वॉश करते हैं और उसके बाद वो बढ़िया सा करके सजा लेते हैं और वो बेचते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ खाने पीने की हो बिना धुले उसे ना खाया जाए और लोगों को इस पर अवेयर किया जाए, उसको बताया जाए। इनक्यूबेशन पीरियड की नहीं, एक चीज़ छूट रहा है, ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक, जैसे हिंदुस्तान तरक्की पजीर ममालिक, ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन के ज़रिए हो सकता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन थ्रू कंटेमिनेटेड फिंगर्स वाइल केयरलेसली हैंडलिंग स्ट्रेटा एंड वोमिट ऑफ पेशेंट्स इन कंटेमिनेटेड लाइन एंड एनफोमेट्स, यानी क्या कह रहे हैं कि ये कि हो सकता है कि भाई होटल में आप गए, अच्छी हाइजीन की वहाँ कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, वो जो वेटर था उसने आपके लिए गर्मा गर्म रोटी लाई या कुछ और भी चीज़ लाई जिसमें उसका फिंगर वगैरह किसी तरह से, भाई दूर से लाता है, हो सकता है वो फिंगर वगैरह आपके सामने तो ना लगे, हो सकता है उसके टच में आ गया हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो फूड कंटामिनेट हो गया, है ना, तो यानी कोई इससे इन्फेक्टेड है कॉलरा, और हम उस रेस्टोरेंट में खाने गए, वहाँ पर हाइजीन अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी इसमें आ सकता है ना, कि एक इंसान जो इससे इन्फेक्टेड था वो दूसरे को पैदा कर सकता है वो खाने पीने की चीज़ में शामिल हो जाने के बाद। या वोमिट ऑफ पेशेंट ऊपर बात चली गई थी, ठीक है ना, या लाइन एंड इन्फॉर्मेंट्स अगर है तो उसमें ज़रिए से भी ये पहुंच सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आदमी टच करके अपने मुंह वगैरह के पास लेके आता है और वो फिर उसको इंजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो बीमारी कॉलरा की हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें स्टूडेंट, तो फ्रॉम अ फ्यू आवर्स अप टू 5 days, कुछ घंटे में और 5 दिन तक इसके होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर जब आदमी बाहर की चीज़ खा लेता है और घर में आने के बाद उसे 2-3 घंटे में ये असरात की अलामत मिलती है, तो उससे फ़ौरन एक सस्पेक्ट जाता है कि हाँ इसको फूड पॉइजनिंग हुई है, या तो ही कॉलरा हो सकता है और भी चीज़ होती है, इसलिए कि कॉलरा को फ़ौरन अगर किसी को दस्त आने लगे, ठीक है ना, वाटर डायरिया होने लगे, तो ये फ़ौरन हुक्म नहीं लगा सकते कि हाँ इसे कॉलरा ही है, और भी चीज़ें हैं, और भी कॉज हैं जिसकी वजह से क्या है कि लूज मोशन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, इसमें 3 तरह के हैं, एक तो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन यानी कि इस्तफराग का दौर, इसके अंदर क्या होता है, इस्तफराग निकलता है, इसमें क्या होगा कि प्रोफ्यूज पेनलेस वाटरी डायरिया चावल है ना, फॉलोड बाई वोमिटिंग, द पेशेंट में पास 40 स्टूल्स इन अ डे, एक दिन में 40 स्टूल के लिए क्या करता है वो पास कर सकता है, द स्टूल में भी हैव अ राइस वाटर अपीयरेंस, जो स्टूल की है ना जो मोशन होगा उसका उसकी जो क्या होगी कैफियत नहीं उसकी जो शक्ल होगी, ठीक है ना, और राइस वाटर जैसी होगी, चावल का पानी जो माड़ जिसको कहते हैं ना, अगर कुक करते हो चावल तो उस वक्त देखिए आप पकने के बाद जो उसमें चावल का जब लास्ट मोमेंट होता तो उसमें जो है वो माड़ धीरे धीरे भी सूखना शुरू हो जाता है, तो उसी जैसा है ना इसमें अपीयरेंस होता है फर्स्ट स्टेज में इवैक्यूएशन। दूसरा स्टेज है एक स्टेज ऑफ कोलैप्स, है ना, यानी कि क्या है कि अब आदमी इन्हेतात के दौर पर चला गया, यानी कि अब कोलैप्स हो रहा है, अब उसको काम करना बंद कर दे, क्योंकि अब आप सोचिए कि 40 स्टूल्स इन अ डे तो कितना ज़्यादा उसका वाटर लॉस हो गया होगा, है ना, तो कह रहे कि ये करते करते एक कंडीशन बता रहे कि जब वो आदमी इलाज नहीं कराएगा, है ना, वो इलाज के लिए नहीं दौड़ रहा, अभी जाहिर सी बात है कि फ़ौरन जो घर में 2 स्टूल आए 3 स्टूल आए 4 स्टूल आए, अब वो फिर भी पड़ा रहा घर में कि यार ये सोचा अभी ठीक हो जाएगा, पेट खाली हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं, वो अपने को दिखाने के लिए किसी डॉक्टर के पास गया या हॉस्पिटल गया या इमरजेंसी गया, तो उसको क्या है कि वो दूसरे स्टेज में चला जाएगा, स्टेज ऑफ कोलैप्स होगा, और जब कोलैप्स होगा जाहिर बात है अब जब वाटर बॉडी से वाटर
का ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी आइज़ जो होगी वो क्या होगी, डिप होगी, और गाल भी उसके बैठ जाएंगे, पेट ऐसा होगा कि लगे कि बोट यानी कश्तीनुमा जिसके अंदर में अंधे के बीच में एक है ना एक स्पेस होता है, और टेम्परेचर भी देखें तो सब नॉर्मल तो होगा है ना, सब नॉर्मल होगा यानी ग्लो द नॉर्मल, और वॉशर माइज हैंड एंड फीट यानी कि जो आदमी धोबी वगैरह होते हैं उनका हाथ वगैरह अगर आप पैर देखें तो पानी ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि वो है ना एक की जो स्किन जिल्द होती खाल होती है इसे लगता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा धुल दी गई हो। वॉशर माइज हैंड एंड फीट ऐसी कपड़ी उसके तो जाहिर होती है क्योंकि बॉडी फ्लूड क्या होता है लॉस हो चुका होता है। द आउटपुट ऑफ यूरिन डिक्रीजेस एंड मे अल्टीमेटली सीज, बॉडी से वाटर दूसरे रास्ते से खारिज हो रहा है ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि पूरी तरह से यूरिन बनेगा ही नहीं है ना, और सीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं है कि ये यूरिन का आउटपुट हो। द पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस एंड कंप्लेन्स ऑफ इंटेंस थर्स एंड क्रेम्स इन लेग्स एंड एब्डोमिन, डेथ में अगर एट दिस स्टेज ड्यू टू डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया, इस स्टेज में उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। स्टेज ऑफ रिकवरी, अब आ गया अगर वो इलाज ले लिया पहुँच गया हॉस्पिटल, अब रिकवरी करेगा तो इस कंडीशन में इफ डेथ ना तक द पेशेंट बिगन टू शो साइन ऑफ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट ठीक है, द ब्लड प्रेशर बिगन टू राइज, द टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल एंड यूरिन एक्सक्रीशन इज रीएस्टैब्लिश्ड। इफ एनीमिया परसिस्ट, अगर उसको फिर भी नहीं हो रहा है ना, इतना करने के बाद सब कुछ लौट आया, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, यूरिन है ना का सिक्रीशन ठीक ठाक हो गया ठीक है ना, वाटर बस जैसे जो और भी रास्तों से निकलने लगे, पसीने का फ्लू होने लगा उसे, कह रहे कि इफ एनूरिया पर्सन, लेकिन एक कंडीशन बता रहे हैं, अगर जो है यूरिन का आउटपुट नहीं हो रहा द पेशेंट में डाइट ऑफ यूरिन फेल्यूर, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सीवियर में चला गया था और उसकी कोते मुदाफ़त कोते तक रोकी थी लेकिन किडनी की है ना कंडीशन अच्छी नहीं थी ठीक है, तो वो फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएगी और वो क्या होगी, वो रीन इन्फीरियर हो जाएगा और उसकी पेशेंट की क्या डेथ हो सकती है। एज ए रूल माइल्ड केसेस रिकवर इन 1 to 3 days, कि जो है 1 से 3 दिन के अंदर माइल्ड जो केसेस होते हैं वो रिकवर हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ठीक है ना, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है बॉडी का वो कम हो जाता है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। एक्यूट रिनल फेल्योर जैसे बताया, पानी का ज़्यादा लॉस हो गया, और पानी के साथ स्टूडेंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी ऐसे ज़्यादा पानी नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं है ना उसमें क्या होता है वो सबसे ज़्यादा छोटे या पोटेशियम ग्लूकोज है ना क्लोराइड वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट में वो सभी क्या आती है वो लॉस में आती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस हाइपोकैलेमिया है ना, ये कम हो जाएगा, पोटेशियम भी कमी हो जाएगी, और एंटेराइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इंटेस्टिन में, और कोलेस्टाइटिस ठीक है ना, इल्तिहाब मरारा की भी कंडीशन हो सकती है, और स्ट्रोक इन द एल्डरली पेशेंट, अगर कोई नौजवान इंसान है एल्डरली पेशेंट है तो उसके अंदर स्ट्रोक के भी चांसेस हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसको स्ट्रोक पड़ जाए, स्ट्रोक लग जाए। अब स्टूडेंट को बात करते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द कॉलरा ठीक है ना, अभी जो आपको ऊपर बताया गया था कि डायग्नोसिस ऑफ कॉलरा कैन नेवर मेड विद सर्टेनिटी और क्लिनिकल ग्राउंड्स, आप ये नहीं देख करके कह सकते कि हाँ भाई चलो इसको स्टूल पास हो रहा है और वाटरी राइस वाटर जैसा इसका अपीयरेंस है तो चलो इधर हुक्म लगा दो, नहीं, लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, उसके लिए क्या करेंगे तो कलेक्शन ऑफ स्टूल्स ठीक है, अ फ्रेश स्पेसिमेन ऑफ स्टूल शुड बी कलेक्टेड फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। दूसरा है वोमिटस, हालांकि कहते हैं कि वोमिटस तो ले सकते हैं, उसके मिल सकता है बैक्टीरिया उसके अंदर कॉलरा, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा जो है आइसोलेटिंग बिहेवियर्स एज मच लेस एंड देयर इज़ नो एडवांटेज, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खारिज होते थोड़े ही होते हैं तो इसलिए करके ज़्यादा एडवांटेज ये नहीं होते हैं। और वाटर सैंपल कंटेन 1 to 3 liters ऑफ सस्पेक्ट वाटर शुड बी कलेक्टेड इन स्टाइल बॉटल, वहाँ पे लेना चाहिए स्टाइल बॉटल में और उसके लेबोरेटरी में जाँच के लिए भेज देना चाहिए कि ये वाटर कहीं कंटेमिनेटेड तो नहीं है। फूड सैंपल्स है, सैंपल्स ऑफ फूड सस्पेक्टेड टू बी कंटेमिनेटेड विद बेबी कॉलरा, मे बी किसी जगह है ना किसी रेस्टोरेंट में कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट लोग छापा डालते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पुअर हाइजीनिक से आप लोग खाना खिलाते हैं और ये देखिए आप यहाँ है ना इस खाने का सैंपल ले लिया उन्होंने और बता दिया कि आपका जो है कंटेमिनेटेड वाटर में आपने कुक किया था इसलिए फूड भी कंटेमिनेटेड हो चुका है, या आपने जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया उसे बिना धुले हुए बिना वॉश किए हुए आपने इस्तेमाल किया इसलिए जो है फूड कंटेमिनेटेड है, तो ये सब क्या है ये स्कैम है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंट्रोल ऑफ कॉलरा में क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द
डायग्नोसिस। पहले केस क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, मान अगर किसी को ये हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे या घर पे ही केयर करेंगे, लेकिन उसको केयर में लगे रहेंगे और उसका जो है स्टूल को है ना फर्दर लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज देंगे। फिर नोटिफिकेशन, फिर जो हेल्थ एजेंसीज होगी आसपास के, वहाँ पर उनको बाखबर कर दी जाएगी, क्योंकि एपिडमोलॉजी में इसका बहुत अहम रोल होता है। ये मालूम रहता है कि सोसाइटी में अगर बहुत ज़्यादा जो लोग मुतासर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि सबको एहतियात बरतने की लाजमी होती है, इसलिए नोटिफिकेशन किया जाता है ताकि वहाँ जो हेल्थ अथॉरिटी होती है, हेल्थ एजेंसीज होती हैं, वहाँ ये अलर्ट हो जाती हैं और आवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश करती हैं, ताकि लोग जो है पानी को बॉयल करके पिएँ और फूड वगैरह को जो खाएँ वो प्रॉपर कुक करके या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको प्रॉपर वॉश करके ही इस्तेमाल करें। ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। अर्ली केस फाइंडिंग, ठीक है स्टूडेंट, केस फाइंडिंग पूछी जाएगी, नोटिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन आपने डायग्नोसिस के लिए चार्ज भेज दिया, अब केस देखा जाएगा और कौन कौन हो सकता है इससे मुतासर है ना, उसके आसपास के लोग अगर एक मिला है तो और भी लोग हो सकते हैं इससे मुबतला हों। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर, अब केसेस में अगर कोई मिला हुआ है कि हाँ इसको पॉजिटिव है तो उसको इस्टेब्लिश करेंगे कि इसका सिम्टम आने से पहले ही जो है अगर इसको देख रेख कर लिया जाए, ठीक है ना, तो इसको इस तरह भयानक जो सिम्टम आएगा, प्रोफ्यूज एफर्टलेस वॉटरी डायरिया जो कंडीशन, उसे ना आने दिया जाए, क्योंकि वो बैक्टीरिया मौजूद हैं उसके अंदर है ना, जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो कास कर जाएंगे, कास करेंगे उसको। तो रिहाइड्रेशन थेरेपी, रिहाइड्रेशन जो देखते होंगे स्टूडेंट आप, ORS का जो मिलता है ग्लूकोज है ना, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर आप देखें WHO की तरफ से दिया हुआ फार्मूला है वो, ठीक है ना, उसको इसका इस्तेमाल कराते हैं। एडजंक्ट टू द थेरेपी और भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि जो कि उसके क्या कि अगर एक चीज़ भी याद रखिए, अगर किसी को ये हो रहा है ना कॉलरा की सॉरी डायरिया हो रही है, तो ये है कि अगर मेडिकल बुक्स में लिखा है कि जो फीडिंग अब मदर कर रही है ना, तो भी वो फीड करती रहेगी बच्चे को, पिलाती रहेगी, WHO का रिकमेंडेशन है वो है ना, कि फिर भी वो बच्चे को फीड करती रहेगी, भले बच्चे को क्या है कि इस डायरिया हो रहा है, ठीक है ना, मोशंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों अगर नहीं पिलाएंगे तो क्या है कि और भी फर्दर जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में वो कम होते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर ये जैसे फीडिंग कराते रहेंगे तो उसके आगे उसका एनर्जी और उसको बच्चे को मिलती रहेगी। या अगर किसी को एडल्ट को रहा है, किसी बच्चे को रहा है, तो उसमें भी क्या है कि उसको थोड़ा बहुत खाने को गिज़ा देंगे, पूरी तरह से गिज़ा मना नहीं कर देंगे, बिल्कुल मत खाए ना, मत भूखा रहे बिल्कुल है ना, कुछ नहीं नहीं उसको कुछ गिज़ा ऐसे दी जाएंगे जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, तो क्या उसको एनर्जी उसके बॉडी में उसको मिलती रहेगी और ग्लूकोज की कमी ना हो। तो एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसे बताएं एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि सारी जगह सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, नदी नाले जितनी चीज़ें हैं आसपास की है ना, सब में मालूम किया जाएगा, और फिर घर के जो टैंक होते हैं, जो टैंक ऊपर जो टैंकियाँ होती हैं जिसमें वाटर सप्लाई होती है, सब चीज़ की क्या होगी जाँच होगी। सैनिटेशन मीजर्स में वही है कि जो पीने का पानी है और जो सीवर्स वाटर्स की जो पाइप निकल रही, नली निकल रही, वो उसके डिस्टेंस पर है और आपस में मिल तो नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि लीकेज की वजह से वो ना सीवरेज पाइप में भी लीक हो जाओ और पीने के पानी में भी लीक हो, जिसकी वजह से वो हो जाएगा। और एक हेल्थ एजुकेशन में स्टूडेंट, हम जो हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो उसमें एक ये देखिए आप कि उन लोगों को बताएंगे है ना, हेल्थ अवेयर करेंगे और उनके समझाएंगे कि साहब आप जो है ऐसा ना करिए और साफ़ सफाई से खाना खाइए और साफ़ सफाई से रहिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। रिहाइड्रेशन थेरेपी है स्टूडेंट, ओरल रिहाइड्रेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन बाई WHO 1917 में दिया गया था, सिंप्लीफाई द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा एंड अदर एक्यूट डायरिया डिजीज, द एम ऑफ ओरल फ्लूइड थेरेपी इज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड रिड्यूस मोर्टैलिटी। आसान है स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, ये था अब तक के लेक्चर, इंशाल्लाह आप इसे कुछ समझ में आया होगा, अगर इंक्वायरी कोई हो कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।